नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दंतेवाड़ा के भानसी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के भानसी क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण में लगे वाहनों को माओवादियों द्वारा 7 नवंबर 2023 की तारीख को आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को अंजाम वाले 2 संदिग्ध बालक सहित 7 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। जिला दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीजापुर और थाना जिला दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में चिड्रापाल मुंडेर के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों की उपस्थिति का सूचना, जिसमें कि प्रमुख रूप से कमालूर एलओएस कमांडर सोनू ओयाम, जो कि 20-25 सशस्त्र माओवादियों के साथ उपस्थिति का सूचना मिली, जिस पर जिला दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ 111 वाहिनी, एफ कंपनी फरसपाल तथा थाना फरसपाल का संयुक्त बल गश्त सर्चिंग के लिए रवाना हुआ था। गश्त सर्चिंग के दौरान फोर्स को देखकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए कुल 9 व्यक्तियों में से 2 विधि संघर्षरत बालक हैं तथा 7 अन्य सदस्य हैं। इन सदस्यों में से 5 व्यक्ति सीएनएम सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, 1 मिलिशिया मेंबर है और 1 डीएकेएमएस में काम करता है। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने भांसी निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों में आगजनी करने की घटना स्वीकार की। उपरोक्त माओवादियों के विरुद्ध थाना भांसी में अपराध क्रमांक 21-23 और धारा 147-48-149-435 IPC 25-27 आर्म्स एक्ट इस प्रकार का अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 7 तारीख को इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं रिमांड प्राप्त किया गया। साथ ही 2 विधि से संघर्षरत बालकों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है।